इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शाली बंडा हैदराबाद। नमस्ते, आज गोलकोंडा फोर्ट में विद रिगार्ड टू बोनाल फेस्टिवल सब कुछ इंतजाम ले चुका है, तो अपने हिसाब से ये बोनालू कल से स्टार्ट हो रहे, तो उसमें कब से करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होने का चांसेस है। और ये बोनाल पूरा नौ पूजा यहाँ पर गोलकुंडा फोर्ट में करेंगे। कल से शुरू होने का बोनाल में 50,000 अंदाजा रिपोर्ट आने का चांसेस है। और इसी के साथ हर हफ्ते में दो दिन गुरुवार और इतवार के दिन यहाँ पर पूजा डिवोटिस करते रहते। और इसके लिए हम लॉन्डर पुलिस के साथ अदर डिपार्टमेंट्स भी विद कोऑर्डिनेशन से सब इंतजाम किया है। डिवोटिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा उनको हैसल फ्री दर्शन होने का पूरा अरेंजमेंट्स ले चुका है। कल का आने वाला आषाढ़ मासम में जो बोनाल तेलंगाना बोनाल जो शुरुआत होता है, तो कल फर्स्ट पूजा है, लंगर हाउस से शुरुआत होता है। तो लंगर हाउस में पूरे मंत्री जी और पूरे वीआईपीस वहाँ आकर माँ तारानी का वहाँ पूजा कर वहाँ से प्रोसेशन स्टार्ट होता है। अपने जो मंत्री जी श्रीनिवास यादव जी जो बोनाल के मंत्री जी हैं, और उसमें एंडोमेंट मंत्री जी आते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब आते हैं, और हमारे एरिया एमएलए साहब आते हैं, ओएसी साहब भी आते हैं, और सभी मुसलमान भाई लोगों को भी 12:30 बजे तक जो नमाज होता है वो पढ़कर जाते हैं, उसके लिए भी अच्छी तरह से बंदोबस्त हुआ है। और यहाँ कुछ भी ऐसी कोई अवांछनीय संघर्ष नहीं होता है, सभी लोग उनका तैयार होनो अपना तैयारी है। बकरीद हिंदू भाई मिलकर करते हैं और बोनाल मुस्लिम भाई मिलकर करते हैं, दो भी अपना अपना मकाम में ये त्यौहार बना के हमेशा सुख शांति से रहना बोलकर चाहते हैं लोग। ये हमारे को ये अवकाश दिए जिसको मीडिया वालों को, प्रेस मीट को और सभी तेलंगाना वासियों को हमारा एक छोटा सा गोलकोंडे से मैसेज भेज रहे हैं। हर तेलंगाना में 32 जिला में किधर भी है, चीफ मिनिस्टर जी जो बोनाल को गवर्नमेंट बोनाल बोलकर डिक्लेयर करे हैं, हर आदमी खुशी के साथ आकर माता रानी का दर्शन करके जाने के लिए हम उनसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।